शहर के प्रताप नगर विस्तार में आए हुए वैसे गुरु अपार्टमेंट में रहती वैसी एक महिला द्वारा विस्तार के कुछ असामाजिक लोगों द्वारा उन्हें परेशान करने के आरोप लगाते हुए आज पुलिस भवन में आवेदन पत्र दिया था। मिली जानकारी के आधार पर शहर के प्रताप नगर विस्तार में आए हुए गुरु अपार्टमेंट में रहती एक महिला मालाबेन हिरानी द्वारा यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें परेशान करने के आरोप लगाते हुए पुलिस भवन में आवेदन पत्र दिया गया। प्रताप नगर हजीरा के पास आए हुए वैसे गुरु अपार्टमेंट के फ्लैट के नीचे एक कम्युनिटी हॉल आया हुआ है, जहां यहां पर रहते वैसे एक शख्स सचिन गहलोत नामक शख्स गैर कानूनी रूप से दुकान का व्यापार कर रहा है। मालाबेन द्वारा उन्हें पुलिस शिकायत तथा कॉर्पोरेशन में भी शिकायत तथा जेबी में भी शिकायत की गई है। बावजूद दुकान का लाइट कनेक्शन काटा गया था, लेकिन दोबारा से गैर कानूनी रूप से लाइट का कनेक्शन जुड़ने के बीच ये दुकान अभी भी कार्यरत की जा रही है। ऐसे में मालाबेन द्वारा पुलिस कमिश्नर को रूबरू शिकायत करते हुए आज यहां पर पुलिस भवन में आवेदन पत्र दिया गया, जहां फरियादी वैसी मालाबेन का कहना है कि दुकानदार वैसे शख्स द्वारा असामाजिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां उनके वाहनों को भी नुकसान किया जा रहा है। वैसे शिकायत अंतर्गत आज पुलिस भवन में न्याय की गुहार लगाई गई थी। मैं कमिश्नर ऑफिस आई हूँ और मैंने बहुत सारी अर्जियाँ मकरपा पुलिस स्टेशन पे की है, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड देता नहीं है, क्योंकि भोजराज गिगलानी पुलिस में से रिटायर्ड है, जिसकी वजह से वहाँ पे मकरपा पुलिस स्टेशन में कोई रिस्पॉन्ड करता नहीं है। और जो कर रहा है एसीपी साहब करते हैं, उसको भी मना कर देते हैं कि इस बीच में आप मत आओ। मैंने सीएम को भी ऑनलाइन कंप्लेन किया है, कमिश्नर को भी ऑनलाइन किया, और ज्वाइंट सीपी ने ही मेरी एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर होने के बाद में भी वहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, गैरकायदे सर दबा के बैठा है कम्युनिटी हॉल, और गैरकायदे सर लाइट का कनेक्शन ज्वाइन किया हुआ है, जिसको एमजीवीसीएल में भी दिया हुआ है। एमजीवीसीएल ने उसका कनेक्शन एक कट कर डाला, दूरदर्शन के नाम से था वो कट कर डाला, और दूसरा कनेक्शन उसने आगे के दुकान में से इल्लीगल ले लिया है। कल मैं उसका कैमरा प्रूफ ले रही थी, तो मेरे को बोलता है मैं दारू पी हुई हूँ, मेरा वीडियो निकालने लगा, जिसका कंप्लेंट मैंने पुलिस स्टेशन में दिया, तो मेरी गाड़ी का हवा निकाल दिया है। मकर पुलिस स्टेशन पीआई वहाँ से चला गया। अब कौन आदमी है वो सामने वाला? सचिन गहलोत करके है, जो वहाँ पे दारू रोज शाम को सारे ड्राइवर्स लोग वहाँ पे दारू पीते हैं, और ये सब अपना वहाँ पे अमूल का जत्थाबंद काम करता है। सारे दिन वहाँ पे टेम्पो आते जाते हैं, दिन के टाइम जब अमूल आराम करते होते हैं उस टाइम दही के रैक्स फेंकना, घी के रैक्स फेंकना, और मैं अकेली रहती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जो अंकल आंटी रहते थे वो चले गए, थर्ड फ्लोर पहले से ही पूनम अंकल का है, वो खाली पड़ा है, और मैं सेकेंड फ्लोर पर अकेली रहती हूँ। मेरे बाजू में जो है वो नेबर्स जो है वो रेंटेड है, वो बेचारे को उनको कोई लेना देना नहीं है, बैक साइड आ जाता है। मेरे फ्रंट साइड में ये सब हो रहा है, और आगे शोभा आंटी रहती थी वो भी नहीं रहती अभी, वहाँ बिल्डिंग मोस्टली जो है वो सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते उनको। पुलिस में कंप्लेन की थी तो क्या हुआ? मैंने पुलिस में कंप्लेन की है तो कोई एक्शन लिया गया नहीं है, आज तक कोई एक्शन उसके ऊपर लिया नहीं है। जब मैंने सीएम के पास सीपी के पास गई, ज्वाइंट सीपी के पास गई, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे कुछ हुआ नहीं है। आपका फ्लैट का नाम क्या? मेरी बिल्डिंग का नाम गुरु अपार्टमेंट विश्राम बाग सोसाइटी है, मैं प्रताप नगर हजीरा के वहाँ रहती हूँ, लास्ट 23 ईयर्स से रहती हूँ, 32 ईयर्स से रहती हूँ। मेरा नाम माला हिरानी।